हे भगवान, 2020 को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, इसमें वायरस है। आपके सामने भांजी मेड़ा आज हैंडस्टैंड वॉक लेके आया है। हैंडस्टैंड वॉक के पहले हम थोड़ा वॉर्म करेंगे। हैंडस्टैंड वॉक के पहले हम हैंडस्टैंड सीखेंगे, उसके बाद में मैं आपको हैंडस्टैंड वॉक का बताऊंगा कि हैंडस्टैंड वॉक इजीली कैसे कर सकते हैं। हम चाहिए तो साबिर अंसारी है, फिर खुशनू सर है, उनसे भी सीख सकते हैं, और उनके कुछ क्लिप्स मैं डाल रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो आप प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, हैंडस्टैंड कैसे करना है उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हैंडस्टैंड वॉक कैसे करना है। तो ये एक ही वीडियो है, थोड़ा लेंथी हो सकता है, मगर आप बने रहिए मेरे साथ कि क्या क्या करना है हैंडस्टैंड करने के लिए। तो हैंडस्टैंड करने के लिए पहले थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हैं हाथ को। सबसे पहले कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वार्म अप करना है। तो हैंडस्टैंड के लिए आप पहले पुशअप्स कीजिए, 10 पुशअप्स आपको मालूम ही है। आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं, जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें शोल्डर वर्कआउट से कुछ पुशअप्स वेरिएशन थे जो कुर्सी पे मैंने किया था और फिर वॉल पे किया था। तो आप मैंने आई बटन में डाल दिया है, तो यहाँ से आप वो वाला पुशअप्स देख सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हैंड स्टैंड कैसे करते हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम स्टार्ट करेंगे डाउनवर्ड डॉग्स। ये जो पोजीशन है उसको सिर्फ मूव कीजिए आप। आपको जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपको आपका जो रिस्ट एल्बो शोल्डर है वो एक लाइन में रखना है, और आपका जो कंधा है, शोल्डर आपका जो हेड है वो कंधे के पीछे जाना चाहिए। तो वो हम बाद में बताएंगे कि क्या कैसे करना है, मगर जब भी आप पुशअप्स करते हैं तो प्रॉपर पुशअप्स नीचे टच होके ऊपर आना चाहिए, पूरा टच होके आना चाहिए। तो ये आप रोज 100 कीजिए और उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उसमें फिर आपको हैंडस्टैंड होल्ड का कैपेसिटी आएगा। तो पहले डाउनवर्ड डॉग्स, फिर काफ रेज। तो ये आपको मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस करना है। डाउनवर्ड डॉग्स, काफ रेज, फिर आप एक किक कीजिए धीरे धीरे, किक करके थोड़ा सा ऊपर। आपके बॉडी को समझ में आना चाहिए कि आपका किक कहां तक जा रहा है। सो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कीजिए, डाउनवर्ड डॉग्स एंड देन लेफ्ट हैंड किक, किक, किक।
सो ये किक करते टाइम एक पैर नीचे सॉफ्ट लैंड होना चाहिए। सॉफ्ट सॉफ्ट लैंड के लिए सॉफ्ट लैंड के लिए आपको टो पे लैंड करना है। और एवरी टाइम आप अगर लेग स्विच करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये था हैंडस्टैंड का प्रैक्टिस कि हैंडस्टैंड अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, कौन से मसल्स के लिए प्रैक्टिस करना है। तो अब धीरे धीरे मैं डायरेक्टली आगे का स्टेप बताता हूँ कि अगर आपको हैंडस्टैंड करना है तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। तो वॉल से 2 फीट की दूरी रखिए और फिर 2 फीट पे हाथ रखिए, थोड़ा सा रिस्ट है उसको थोड़ा टर्न करके साइडवेज रखिए। अगर आप यहाँ पे रखेंगे रिस्ट तो आपका जो ये पाम अगर यहाँ पे रखा तो ये रिस्ट है ये इतना ही मुड़ता है, इसके आगे मुड़ता नहीं है। क्रॉस रखेंगे और फिंगर स्प्रेड रखेंगे तो ये थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा होगा। और जब भी मैं आपको हैंडस्टैंड वॉक दिखाऊंगा तो उसमें ये मूव हो सकता है। तो देखिए मैं आपको वॉल सपोर्ट से कैसे हैंडस्टैंड बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया डाउनवर्ड ड्रॉप्स और फिर जंप या तो सिंगल लेग किक। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप होल्ड कर सकते हैं, इसलिए आपको वॉल का थोड़ा सपोर्ट लेना है। तो आप वॉल का सपोर्ट लेके थोड़ा सा हैंड क्रॉस वॉल सपोर्ट लेके एक किक मारना है, धीरे धीरे आपको वॉल टच करना है, वॉल टच करके वापस नीचे आना है तो आपका लैंडिंग सॉफ्ट हो जाएगा। सर के साइड वॉल रखना है और किक मार के ये थोड़ा सॉफ्ट रख के किक मारना है, किक एंड ऊपर जाना है और आपका जो सर है वो आपके हैंड के आगे आना चाहिए, तभी आप हैंडस्टैंड वॉक सीख सकते हैं। यही अगर आपको और जैसे मैंने आपको मेरा हेड है वो वॉल की तरफ था और दिखाया, सेम अगर आपको और टाइम है और इजीली करना है और मसल बिल्ड होना चाहिए तो उसके लिए आपको भी पैर है ना वो वॉल की तरफ रखना है और जैसे हमने अपने डाउनवर्ड डॉग किया था वैसे ही वॉक करना है पीछे और फिर धीरे धीरे वॉल के ऊपर चढ़ना है। और आपका नोज है वो वॉल पर टच करके वापस वैसे ही वॉक करना। ये आप एवरीडे 100, मेरा तो आपको मालूम है हमेशा 100 का आंकड़ा ही फिक्स रहता है मेरा, तो आप 100 कर सकते हैं। 100 करने के बाद बट आपको मसल डेवलप भी करना पड़ेगा, आपके मसल्स है उसको याद दिलाना पड़ेगा कि आपको हैंडस्टैंड करना है, हैंडस्टैंड वॉक करना है। तो पहले हैंडस्टैंड करना है, पहले हैंडस्टैंड आप 10 डेज में अगर एकदम बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 डेज में सीख सकते हैं। उसके बाद में हैंडस्टैंड वॉक, तो हैंडस्टैंड वॉक में भी यही फार्मूला काम आएगा। आपको पहले एक लेग ऊपर करना है एंड देन वॉक करना है, वॉक फिर यहाँ से एक लेग बाहर दूसरा बाहर। आप ट्राई करिए 10 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हैं क्या, धीरे धीरे फिर ऐसे करके आप धीरे धीरे वॉक कर सकते हैं धीरे धीरे। तो पहले ये 100 कीजिए, बॉल पे चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। मेरे साथ जिसने ट्रेनिंग किया है उन लोग को मालूम है कि ये जो वॉल पे वॉक करके वापस नीचे आया है, जैसे दीपक
मेनन है, श्लोक है, हिरण है, वैसे लोगों को मालूम है कि उससे स्ट्रेंथ कितना बढ़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैंडस्टैंड वॉक को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। प्रोग्रेस वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 टिल डे 21 है, तो आप खुद उसके अंदर फर्क देख सकते हैं क्या है कैसा है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग रहेगा, तो आपको अगर स्किप करके देखना है स्किप करके देखो। मैं ट्राई करूँगा जितना शॉर्ट वीडियो बन सके उतना बना के डालूँ, बट मुझे लोगों ने बोला है कि थोड़ा बड़ा वीडियो भी डालिए। पहले लोग बोलते थे कि छोटा वीडियो डालिए, जब मैं बड़ा वीडियो डालता था, तो अभी लोग बोल रहे कि थोड़ा बड़ा वीडियो डालिए। तो मैं सब पूरा डेज कंबाइन करके बड़ा वीडियो बना के ट्राई करूँगा डालने के लिए, क्योंकि मेरे पास और कोई जरिया नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल है, उससे ही रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, डिजाइनिंग सब कुछ उससे ही होता है। तो बनी रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।